जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पेपर फर्स्ट और यूनिट थर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, उसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। द वर्ड सोशियोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ यूनियन ऑफ अ टू वर्ड, कौन कौन से, लैटिन वर्ड सोशियस एंड ग्रीक वर्ड लॉगोस, विच मीन्स सोसाइटी एंड साइंस रेस्पेक्टिवली। देखिए, जो समाजशास्त्र है ना, वो अंग्रेजी के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन सा भाई? सोशियस और लोगोस। सोशियस का मतलब होता है समाज, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान। इस प्रकार समाजशास्त्र का अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है कि द वर्ड सोशियोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम यूनियन ऑफ लैटिन वर्ड सोशियस एंड ग्रीक वर्ड लोगोस, विच मीन्स सोसाइटी एंड साइंस रेस्पेक्टिवली। दस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का साइंस, समाज का विज्ञान ही क्या कहलाता है? समाज शास्त्र कहलाता है। तो देखिए, आपने यहाँ पे सोशियस लिख दिया, नीचे लोगोस लिख दिया। सोशियस का मतलब सोसाइटी और लोगोस का मतलब साइंस। ये बनके ये मिलके क्या बन गया भाई? सोशियोलॉजी, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ सोसाइटी। हिंदी में हमने समाज शास्त्र का अर्थ लिख दिया समाज का विज्ञान। तो दोस्तों, समाज शास्त्र का मतलब क्या होता है? समाज का विज्ञान। हम अपने समाज के बारे में वैज्ञानिक रूप देखेंगे, वैज्ञानिक गतिविधियाँ देखेंगे, वैज्ञानिक तौर तरीके इसमें सीखेंगे। इसी को कहते हैं मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज का विज्ञान। इसी में हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं विद्वानों के द्वारा। तो हिंदी में लॉर्ड्स ने क्या कहा था, सॉरी, वर्ड के अनुसार समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। सिंपल जो डेफिनेशन थे वही आपके लिए हम यहाँ पर लेके आए। अकॉर्डिंग टू वर्ड, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। गिडिंग्स के अनुसार समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स के अकॉर्डिंग टू गिनिट्स, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। क्या भाई? साइंटिफिक स्टडी है, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। ऑडम्स ने क्या कहा था? ऑडम्स ने कहा था कि समाज शास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। समाज शास्त्र वो विज्ञान है, देखिए इजिली आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। अकॉर्डिंग टू ऑडम्स, सोशियोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज सोसाइटी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैक ऑवर एवं पेज के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषयों में है। संबंधों के जाल को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक एवर एंड पेज, सोशियोलॉजी इज अबाउट द सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध। वी कॉल द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप सोशियोलॉजी। तो ये हम संबंधों के जाल, नेटवर्क ऑफ रिलेशन, इज कॉल्ड एज अ समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप इसको देख सकते हैं, बहुत आसान आसान शब्दों में, बहुत छोटे छोटे शब्दों में। आगे हम मूव करते हैं दोस्तों, रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, समाज शास्त्र और शिक्षा में क्या संबंध है। इसको मैंने यहाँ पे खाली रखा। क्यों खाली रखा? क्योंकि ये आपको स्वयं भरना है। समाज शास्त्र और शिक्षा में क्या संबंध है, कि समाज शास्त्र क्या है भाई? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये समाज शास्त्र और शिक्षक में संबंध हो गया। समाज शास्त्र और शिक्षा में दूसरा संबंध क्या हो गया, कि शिक्षा, वह शिक्षा जो हमें समाज के बारे में अध्ययन कराती है, समाज शास्त्र कहलाती है। तो शिक्षा के द्वारा समाज का अध्ययन समाज शास्त्र कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको स्वयं लिखनी है, ठीक है। दूसरा संबंध क्या हो गया, कि शिक्षा के द्वारा हम समाज को और बेहतर बना सकते हैं। तीसरा क्या हो गया भाई, शिक्षा के द्वारा हम समाज के दोषों को हटा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इस कॉलम को मैंने ब्लैंक रखा, कि शिक्षा और समाज साथ में आपको स्वयं पॉइंट्स ऐड करने हैं। क्या भाई? कि समाज के बारे में शैक्षिक अध्ययन समाज शास्त्र का देन है, और समाज को और बेहतर बनाना शिक्षा की आवश्यकता होती है। समाज को, समाज में उपयुक्त कमियाँ, बुराइयाँ, इविल्स को हम शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो समाज शास्त्र और शिक्षा में संबंध एक बहुत ही जनरल टॉपिक है, और मुझे उम्मीद है हर एक व्यूवर्स अपनी इच्छा से इसमें बहुत सारे टॉपिक्स लिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे दोस्तों, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र नीड, आवश्यकता। देखिए, अब समाजशास्त्र की आवश्यकता क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, आपको इसी बिंदु से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समाज का ज्ञान हो जाता है, नॉलेज ऑफ सोसाइटी। दूसरा, सामाजिक संबंध बन जाता है, आप समाज से जुड़ जाते हैं। तीसरा, सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक आचरण, समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से बातें करना है, ये चीज़ें हम सीख जाते हैं। और तीसरा, साइंटिफिक सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं का समाधान। हम इसके लिए, हमें समाजशास्त्र की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट वन इज टू अचीव द सोशल एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम समाजशास्त्र की का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र के बारे में पढ़ाई करते हैं। वेरी शॉर्ट दोस्तों, ये हेडिंग हो गया। इसके अंदर आपको लिखना है कि समाज का ज्ञान होना, अब समाज के बारे में उनके सांस्कृतिक लोगों के व्यक्तित्व, वातावरण, उनके व्यवहार, उनके त्यौहार, इन चीज़ों के बारे में। सोशल रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे से कैसे सामाजिक संबंध बनाना है, ज़रूरत पड़ने पे साथ देना है, उनकी कमियों में शामिल होना है, उनके दुख में शामिल होना है, उनकी खुशी में तो ये सारी चीज़ें इस हेडिंग के अंदर लिखना है। सामाजिक आचरण मतलब समाज को कैसे स्वच्छ रखना है, समाज को कैसे बेहतर रखना है, बुराइयों से दूर, तो ये सारी चीज़ें हेडिंग के अंदर आपको लिखनी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि समाजशास्त्र की विशेषताएँ क्या होती हैं, समाजशास्त्र क्या प्रोवाइड कराता है आपको। इक्वालिटी सबसे पहले तो फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, एक अच्छा समाज आपको एक स्वतंत्रता प्रोवाइड करेगा, इसके चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक समाज सबके लिए समान है, आप स्वतंत्र हैं। एक अच्छा समाज आपको इस बात की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराएगा कि आप आएँ, अपने सुकून से रहें, अपनी मर्जी से जिए, जैसी मर्जी हो वैसे खाएं पिएं। तो एक समाज शास्त्र क्या आपको फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, समानता प्रोवाइड कराता है, इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। ये इसकी विशेषता है कि समाज शास्त्र समाज के बारे में सोचता है, सामाजिक सोच रखता है। और ये समाज शास्त्र की विशेषता है कि अहिंसा पर बल देता है, एक दूसरे से प्रेम सद्भावना से रहने पे बल देता है। प्लेस ऑफ कॉम्पिटिशंस, प्रतिस्पर्धा जारी रखता है दो व्यापारियों के बीच में, दो विद्यार्थियों के बीच में, कि हम बेहतर कर सकें, हम बेहतर कर सकें। ये समाजशास्त्र की क्या है भाई विशेषता है। नेक्स्ट वन इज बुराई का विरोध, अगर कुछ समाज में कोई बुराई चल रही है तो उसका विरोध करे, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हर एक सामाजिक व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन इज नेशनल फर्स्ट यानी कि राष्ट्रीय प्रथम, एक राष्ट्र एक की भावना, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना समाजशास्त्र विकसित कराता है। तो ये समाजशास्त्र की विशेषताएं हो गई दोस्तों। दोस्तों ये एक जनरल सा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है। मेरी कोशिश थी कि आपको थोड़ा सा इसमें समझा दिया जाए कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि समाजशास्त्र की विशेषताएं क्या होती है, और हमने साथ ही साथ जाना कि इसकी आवश्यकता, उपयोग और इसके महत्व क्या है और क्यों है, साथ ही साथ शिक्षा और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, और चार विद्वानों के द्वारा हमने समाजशास्त्र की परिभाषा देखी काफ़ी आसान शब्दों में, और ये जानने की कोशिश करी समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान, साइंस ऑफ सोसाइटी, समाजशास्त्र का मतलब होता है, सोशियोलॉजी का मीनिंग होता है। दोस्तों उम्मीद है कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के देखने के बाद। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सीरीज लेनी है, अपनी बुक लेना है, और उसको देख के जो भी वहाँ से नोट्स मिल सके, जो भी वहाँ से चीज़ें आप समझ जाइए, और समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम्स में आप लिखेंगे। बस प्लीज़ आप हेडिंग ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपके लिए थोड़ी बहुत सहायक होगी। बाकी यूनिट थ्री से संबंधित, पेपर फर्स्ट से संबंधित प्लेलिस्ट पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाके देखेंगे तो पेपर फर्स्ट यूनिट थ्री करके उसमें वीडियोस होंगे, देख लीजिएगा, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और प्लीज़ सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी यूट्यूबर हो, मेरा वीडियोज़ कोई भी वीडियोज़ देखने सही है, बहुत सही है समझने के लिए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करें। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और साथ इस वीडियो को किसी अन्य साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी जरूर जारी रखिए, जय हिंद।